हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन एजुकेशन पॉइंट. दिस इज़ नीतू यादव एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म्स को फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट से. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट एक पहले टर्म रहेगी हमारे पास. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट कहते किसको हैं, हमने मैथ्स भी पढ़ा है, वहाँ पे भी हमने देखा है कि वेरिएबल जो एक होता है एक्स वाई जेड ए बी डब्ल्यू ए बी सी डब्ल्यू कुछ भी जो होता है उसके साथ जो एक नंबर मल्टीप्लाई होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है. हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा है कि ये जो सिंबल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए, इनके इन फ्रंट जो एक कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट. जैसे हमने कहा Fe, और Fe से आगे आपको नंबर नज़र आ रहा है 3. वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से आगे आपको नज़र आ रहा है 4. तो ये जो 3, 4, 1, 2 जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है हम इसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट कहते हैं. यहाँ आपको 11th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सामने आएंगे आपके जिनको आप सॉल्व करोगे, कर पाओगे, यस. और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट से वो रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं. एक न्यूमेरिकल यहाँ पर एज ए सैम्पल मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे घर बैठ के. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इंटू इट्स ऑक्साइड. देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें गिवन है Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट. यानी कि आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ जब हो रही है तो वो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही है, ये रिएक्शन हमें गिवन है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब 18 ग्राम ऑफ स्टीम यहाँ रिएक्ट करेगी तो कितना ऑक्साइड बनेगा, ठीक है. तो सब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कौन कंपाउंड कितने अमाउंट में है वो कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहला स्टेप. तो Fe का मास होता है भाई 56, 3 है तो हम टू इंटू 3 करेंगे, मास हम निकाल लेते हैं कितना है 8168 ग्राम Fe है. वाटर की मैं बात करूँ तो 4 × 18 तो वाटर निकल कर आएगा 72 ग्राम. और इस ऑक्साइड का भी हम मास निकालेंगे तो कितना होगा 168 प्लस 16 × 4 कितना होता है 64 ग्राम. और हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है सिंपली कितना आएगा 8 ग्राम. तो मैंने चारों का ही क्या किया यहाँ पर मास निकाल दिया. अब ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल का 18 था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है. दिस इज हाउ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है विदाउट बैलेंस्ड इक्वेशन हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है. केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज पढ़े थे ना, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो ये मैटर करेगा हमारे लिए. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 18 ग्राम ऑफ स्टीम अगर है तो कितना बनेगा ऑक्साइड. तो यहाँ से मुझे सिंपली नज़र आ रहा है कि 72 ग्राम स्टीम जब रिएक्ट कर रही है तो वो 232 ग्राम ऑफ ऑक्साइड यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है. कितना 232 ग्राम ऑफ ऑक्साइड यहाँ मिल रहा है. अब बच्चों देखो ध्यान देना, इन्होंने पूछा था कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, ठीक है. ऑक्साइड का मास नहीं निकालना, आयरन का मास निकालना है. तो ऑक्साइड के साथ रिलेट ना करके आपको किसके साथ रिलेट करना है, इसको Fe के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है. तो होगा क्या कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट करता है 168 ग्राम ऑफ आयरन के साथ, यानी कि 72 ग्राम स्टीम 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट करता है कितने के साथ, 168 ग्राम ऑफ आयरन के साथ. तो 1 ग्राम स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिंपल सी बात है 168 अपॉन 72 ग्राम. और अगर पूछा है क्वेश्चन में 18 ग्राम के लिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, 168 अपॉन 72 इंटू 18 ग्राम ऑफ Fe दैट मीन्स आयरन. फटाफट से इनको कट करेंगे कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ. 168 अपॉन 4 और ये हुआ आपके पास 42, यानी कि आंसर है हमारे पास 42 ग्राम ऑफ Fe. कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड, तो आंसर क्या रहा 42 ग्राम ऑफ आयरन विल बी कन्वर्टेड इंटू इट्स ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ स्टीम. क्लियर, आंसर
क्लियर हुआ, मेथड समझ में आया। अब अगली जो एक टर्म है हमारे पास वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो यहाँ पर क्या था, 72 ग्राम 168 ग्राम के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। अगर हमारे पास 72 ग्राम ऑफ वाटर की जगह यहाँ मान लो 100 ग्राम ऑफ वाटर गिवन होता तो यूज़ कितना आता, 72 ग्राम, बाकी जो बचा होता वो क्या होता, अनरिएक्टेड रह जाता। और ख़त्म कौन होता जल्दी, 168 ग्राम वाला पहले ख़त्म होता क्योंकि वाटर तो एक्सेस में रहा होता। ऐसे में जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो किसी भी रिएक्शन में, जो हमारी रिएक्शन को एक लिमिट में रोक दे, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस में रिक्वायर्ड होता है, उस जो गिवन होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहेंगे, जो खत्म हो गया जल्दी कंज्यूम हो गया उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड एंड व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। 3 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल ये। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ गिवन हो, सबसे पहले आपको जो नॉर्मल एक इक्वेशन होती है वो यहाँ लिखनी है और पता करना है कितनी अमाउंट किस रिएक्टेंट की रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की है टू फॉर्म वाटर, तो H2 प्लस O2 ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का। H2 प्लस O2 क्या देता है, H2O। सबसे पहली बात इसको बैलेंस करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कौन कितने अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 36 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको याद है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या चीज़ है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो सबसे पहले ख़त्म हो गया हो, ठीक है। अब चलो हम पता करते हैं हाइड्रोजन से, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ H2 किसके साथ रिएक्ट करेगी, 1 ग्राम ऑफ H2 किससे रिएक्ट करेगी, 32 अपॉन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 मेरे पास आ गया 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन में ऑक्सीजन कितने गिवन है, 29, रिक्वायर्ड कितनी है जो यूज़ हो जाए, 24, है कितनी, 29, तो एक्सेस में कौन हुआ, बोलो एक्सेस में कौन हुआ, ऑक्सीजन ना, और लिमिटिंग कौन हुआ, जो एग्जैक्ट लिमिटिंग अमाउंट मतलब जो पहले कंज्यूम हो गया, जो खत्म हो गया, क्योंकि 3 ग्राम हाइड्रोजन थी वो पूरी यूटिलाइज हो गई, 3 ग्राम ही क्वेश्चन में गिवन थी, हाइड्रोजन तो 0 बची, यानी कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग कौन रहेगा यहाँ पर हमारे पास, हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगी और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में पड़ा हुआ है। थर्ड पार्ट को पहले देख लेते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो ये जो बचने वाला है कौन, ऑक्सीजन बचने वाली है ना, हाइड्रोजन तो पहले ही पूरा यूज हो चुका है, तो ऑक्सीजन का गिवन वैल्यू कितनी थी, 29 ग्राम, यूज़ कितनी हो गई, 24 ग्राम, तो अनरिएक्टेड कितनी बची रह जाएगी, 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। ऑक्सीजन एक्सेस में है, हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो गई, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, क्या पूछा है हमसे, सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान देना वाटर की फॉर्मेशन जो है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, एक्स्ट्रा जो 5 ग्राम ऑक्सीजन बचा हुआ है वो तो किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ना, तो अगर हमें वाटर की अमाउंट निकालनी है तो हाइड्रोजन से रिलेट करके निकालेंगे, ऑक्सीजन से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर देती है, 36 ग्राम ऑफ वाटर देती है हमें, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा,
36 अपॉन 4 ग्राम, और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा, 36 अपॉन 4 इंटू 3 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर अमाउंट यहाँ मिलेगी। तो हम फटाफट से इसको करते हैं, 9 इंटू 3 27, सॉरी 27, यस 27 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म होगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा 27 ग्राम ऑफ वाटर, और फिफ्थ पार्ट का आंसर हमारा रहेगा 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल, 2 मार्क 3 मार्क में आ सकता है। आई होप सब समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लगी है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया पूरे ही चैप्टर में, या ये न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगले वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अपने घर में रहिए, बच के रहिए, बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन चला हुआ है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सैनिटाइज करते रहिए चीज़ों को, अपने बार बार अपने हाथ धोते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।